नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बताऊंगा, शुरू कर रहा हूँ क्लास 11th की पहले चैप्टर से। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी दो प्रकार की होती है, जूलॉजी बॉटनी। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु का अध्ययन किया जाता है। किसका? स्टडी ऑफ एनिमल। जूलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तू। ठीक है, और बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? प्लांट का, बोले तो पेड़ पौधों का। इनके जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ईस्ट हो गया। जेनेटिक में वंशागति विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में अनुवांशिकी में फेर बदल आरडीएनए तकनीक द्वारा किया जाता है। ठीक, एनाटॉमी जीवों के शरीर की संरचना या बनावट, बनावट भी कह सकते हो, संरचना और बनावट बात एक ही होती है। फिजियोलॉजी में जीवों के शरीर अंगों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। किसका? ऊतक का। पैथोफिजियोलॉजी में पैथोजन की और फिजियोलॉजी की अध्ययन किया जाता है, जैसे कि रोगाणु और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा का अध्ययन किया जाता है, इम्यूनिटी का अध्ययन किया जाता है। ठीक, पेलियंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्म का। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। सेल बायोलॉजी कोशिका जीव का विज्ञान, साइटोलॉजी में। तो ये आपका बायोलॉजी का पार्ट हो गया। इसके आगे हम कल से चैप्टर शुरू करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको सेल के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? सेल के बारे में। थैंक यू।